हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10th का चैप्टर 10 करेंगे, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लास्ट वीडियो में मैंने आपको रूल्स बताए थे, कॉन्वेक्स लेंस, स्फेरिकल लेंस के बारे में पढ़ाया था। स्फेरिकल लेंस हमारा दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस, तो उसके कुछ रूल्स पढ़े थे हमने, और रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, ये सारे टॉपिक्स हमने लास्ट वीडियो में पढ़े थे। आज की इस वीडियो में हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ने वाले हैं, मीन्स की रे डायग्राम किस तरीके से बनते हैं कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस में। उसके अलावा हम पावर के बारे में पढ़ेंगे, पावर ऑफ लेंस क्या होती है और लेंस फॉर्मूला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट टॉपिक। इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर वेरियस पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट। लास्ट वीडियो में मैंने आपको रूल्स बताए थे कि कॉन्वेक्स लेंस बनाने के लिए हमें क्या क्या रूल्स चाहिए, उसमें हमने 3 रूल्स पढ़े थे। आज हम उन्हीं रूल्स के बिहाफ पे ये 6 रे डायग्राम्स बनाएंगे। फर्स्ट है ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे हो तो कॉन्वेक्स लेंस में रे डायग्राम किस तरीके से बनेगा। ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, यहाँ से यहाँ पे ऑब्जेक्ट है कहीं इन्फिनिटी पे, ये रेज आ रही है। रेज आने के बाद में ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मर्ज करेंगी। ये आपको पता है कि कॉन्वेक्स लेंस हमारा कन्वर्जिंग लेंस होता है, इसलिए यहाँ पे आपकी रेज मिलेंगी, और जहाँ पे 2 से ज़्यादा रेज मिलती हैं उसे हम इमेज बोलते हैं। अब जब आपका F1 और 2F1 O यानी कि ऑप्टिकल सेंटर, F2 2F2 ये जिस लाइन पे होते हैं उसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो यहाँ पे आपकी इमेज बनेगी F2 पे। अब इसकी इमेज की प्रॉपर्टीज देखिए, पोजीशन की बात अगर हम करें तो इमेज आपकी F2 पर बनेगी, नेचर इसका रियल और इन्वर्टेड होगा, इन्वर्टेड मीन्स कि उल्टा, देन साइज पॉइंट साइज होता है। नाउ नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F, ये आपका F1 है, ये आपका 2F है, इसके बियॉन्ड ऑब्जेक्ट बोला है। तो आपने यहाँ 2F के बाद कहीं पे ऑब्जेक्ट रखा, A भी आपका ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ से आपकी ये ऑब्जर्वर हो गया आपका, यहाँ से रे गई, इस रे ने यहाँ से कन्वर्ज किया तो ये नीचे की साइड चली गई। सेम आपने यहाँ से एक ऑप्टिकल सेंटर, सेंटर पॉइंट O से जब आपने एक रे पास करी तो उसने भी कन्वर्ज करके रे को क्रॉस किया। तो जहाँ पे फर्स्ट रे आपकी फोकस से होते हुए जा रही है, सेकेंड रे आपकी सेंटर पॉइंट O से होते हुए जा रही है, फिर जहाँ पे ये दोनों पॉइंट्स मीट करे वहाँ पे आपकी इमेज बनेगी, तो A' एंड B'। अब देखिए इमेजेस के प्रॉपर्टीज, देखिए इमेज की पोजीशन की बात करें तो F2 एंड 2F2 के बीच में, ये आपका F2 है, ये आपका 2F2 है, इसके बीच में आपका कहीं पे ऑब्जेक्ट बना है, सॉरी इमेज बनी है। देन नेचर रियल और इन्वर्टेड होगा, और साइज इसका डिमिनिश्ड होगा, मीन्स कि छोटा साइज होगा। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट है 2F1, और इसके अलावा हम जितना भी इस वीडियो में पढ़ेंगे या अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है उन सबके नोट्स आपको PDF की फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और इस चैप्टर की लास्ट वीडियोस के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नाउ ऑब्जेक्ट है 2F1, जब कभी भी आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा, 2F1 पे, ये F1 हो गया और ये 2F1, 2F1 पे जब आपका ऑब्जेक्ट होगा, ये आपका ऑब्जेक्ट है AB, देन उसके बाद में हमने यहाँ से एक रे, इसने कन्वर्ज किया, देन सेम आपकी ऑप्टिकल सेंटर O से आपकी रे गई, तो आपने देखा कि जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट था तो उस टाइम पे जो रे जा रही है वो फर्स्ट जो रे गई है वो आपका F2 मींस की फोकस को क्रॉस करते हुए सेकंड वाली ऑप्टिकल सेंटर को क्रॉस करते हुए गई है, और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ये दोनों मिले जिसे आपने देखा कि वो 2F2 था। ये आपकी इमेज है A' एंड B'। अब इमेज की प्रॉपर्टीज देखते हैं, पोजीशन की बात करें तो एट 2F ये यहाँ पे आपकी इमेज बनेगी, तो 2F2 होगा यहाँ पे। नेचर की बात करें तो रियल और इन्वर्टेड है, साइज देखें तो सेम साइज रहेगा क्योंकि ये बिल्कुल इसके ऑपोजिट है, तो जितने साइज ऑब्जेक्ट का होगा उतना ही सेम साइज आपके इमेज का भी होगा। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट बिटवीन F एंड 2F1, जब आपका ऑब्जेक्ट बिटवीन F एंड 2F1 होगा तो देखिए ये आपका 2F1 है और ये आपका F1 है। अब ऑब्जेक्ट आपका बिटवीन है F एंड 2F1, ये आपका F1 है, ये आपका 2F1 है, इनके बीच में कहीं पे ऑब्जेक्ट हमने रखा, फिर सेम आपने रेस पास ऑन करी तो आपने देखा फर्स्ट रे आपकी फोकस F1 को F2 को क्रॉस करते हुए जा रही है, सेकंड वाली आपकी ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, बट यहाँ पे जब रे मीट करेगी तो वो आपकी 2F2 के बाद में करेगी। जहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे रेज मीट करेंगे उसे आप इमेज का नाम दे देंगे। ये आपका A' हो गया, ये B'। अब इमेज की बात करें, पोजीशन देखें तो बियॉन्ड 2F2 होगी, मींस ये आपका 2F2 है, इसके बाद कहीं इमेज बन रही है तो बियॉन्ड 2F2 हो गई। नेचर रियल और इन्वर्टेड, ऑब्वियसली उल्टी इमेज बनती है आपकी,
साइज की बात करें तो एनलार्ज होगा, क्यों? क्योंकि ये हमारा ऑब्जेक्ट का साइज है और ये छोटा साइज है, जबकि इसकी जो इमेज बनी है उसका साइज काफी ज्यादा बड़ा है। नाउ नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट एट फोकस F1। अगर आपका ऑब्जेक्ट फोकस पर होगा F1 पर, तो इसमें देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, आपने ए बी मार्क किया, देन आपकी रेज गई, फर्स्ट रे आपकी F2 से गई, सेकेंड आपका वही ऑप्टिकल सेंटर से एक रे पास करी हमने, ये दो रेज हैं, और आपने देखा यहाँ पे ये दोनों रेज आपस में मीट नहीं कर रही हैं, तो अभी हमें इमेज का साइज कुछ आइडिया नहीं है। तो अगर ये मीट नहीं करे तो ऑब्वियसली एक पॉइंट पे जाके इनको मीट करना होगा, तो कहाँ पे करेंगे तो हमें नहीं पता, इसलिए आप पोजीशन इमेज की हमेशा इन्फिनिटी रख देंगे। तो अगर इमेज की प्रॉपर्टीज देखें तो इमेज की पोजीशन आपकी इन्फिनिटी पर हो जाएगी, नेचर रियल और इन्वर्टेड हो जाएगा, एंड साइज आपका हाईली एनलार्ज हो जाएगा। नेक्स्ट लास्ट आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर O। जब कभी भी आपका ऑब्जेक्ट F1 पर हो और ऑप्टिकल सेंटर O के बीच में हो, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर O हो गया, ये आपका F1 हो गया, इनके बीच में अगर आपका ऑब्जेक्ट आता है, तो वो आपने देखा यहाँ पे ए बी ऑब्जेक्ट है, ये बी है, ये ए पॉइंट है, यहाँ से हमने रेस को पास करवाया। अब आप देखिए जब यहाँ से ये रेस गई तो फर्स्ट आपकी F2 से, सेकेंड ये ऑप्टिकल सेंटर से पास होते हुए, बट आप यहाँ पे देख सकते हैं जो इनके बीच का डिस्टेंस है वो बढ़ता ही जा रहा है, मीन्स कि अगर ये डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है तो ये इस साइड तो ये इमेजेस कहीं पे मिलने वाली नहीं है, ये रेज जब तक मीट नहीं करेंगी तो इमेज बनेगी नहीं। तो आपने क्या किया, आपने देखा कि ये रेज जहाँ से आ रही है तो इसे आपने इमेजिनरी लाइन से पीछे की साइड बढ़ा दिया, तो ये आपकी फर्स्ट रे थी जो आपने इमेजिनरी लाइन जो आपकी फोकस से पास होती हुई जा रही थी, आपने इसको डॉटेड बढ़ाया। सेकेंड आपकी जो ऑप्टिकल सेंटर से गई उसको भी आपने डॉट से बढ़ा दिया, जो आपकी इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करी आपने देखा एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ये मीट कर रही हैं और वहां पे आपकी इमेज बनेगी। तो ए डैश एंड बी डैश, अब प्रॉपर्टीज देखते हैं। इमेज में आपकी पोजीशन की बात करें तो सेम साइड होगी जो लेंस की, जहां पे लेंस की साइड से हमने ऑब्जेक्ट रखा था उसी साइड पे आपकी इमेज बनेगी। नेचर देखें तो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, इसलिए भी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक हमने जितने भी इमेजेस के नेचर पढ़े वो सारे रियल और इन्वर्टेड थे, बट इसमें आपका जो नेचर है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। साइज की बात करें तो वो एनलार्ज होगा, ऑब्जेक्ट से बड़ा साइज है। अब जैसे हमने कॉन्वेक्स लेंस का पढ़ा था, सेम हमारे पास कॉन्केव लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस के ही सिमिलर है। कॉन्केव लेंस में भी आपके 3 रूल्स होंगे, फिर उसके बाद में इसके 2 रे डायग्राम है। अब फर्स्ट रूल देखिए, रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस लोकेटेड ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस। जहां पे आपका 2F1, F2 ये है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, यहां से एक रे जा रही है, क्योंकि कॉन्केव लेंस हमेशा डाइवर्जिंग मिरर होता है, तो ये रे आपकी डाइवर्ज कर गई। बट जब ये डाइवर्ज करती है तो उस टाइम पे आप देखिए ये कहीं पे मीट नहीं करी, ये ऊपर की साइड चली गई, तो यहां से जब ऑब्जर्वर था जिसने देखा तो उसे ये चीज लगेगी कि ये जो रे है वो कहाँ से आई है, F1 मीन्स की फोकस से आई है। तो आपने क्या किया, ये जो रे थी इसको डॉटेड से इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हुए यहाँ पे मीट किया, तो ये आपकी F1 से पास हो रही है, ये आपका फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल कहता है रे ऑफ लाइट अपीयर टू द मीट द फोकस विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आपकी कोई भी रे, जब आप कॉन्केव लेंस की बात करेंगे, अगर आपकी रे आ रही है फोकस की साइड से, फोकस की साइड जा रही है, कोई इमेज ऊपर से आ रही है और वो फोकस की साइड आपको मीट होती हुई लग रही है, बट वो फोकस से पहुंचने से पहले ही वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी आफ्टर डाइवर्जन। तो देखिए यहाँ पे आपकी ये रे आई, इसे फोकस से मीट करना चाहिए था, बट ये डाइवर्जिंग मिरर है तो इसने अपना पाथ चेंज करके ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली गई। थर्ड रूल की बात करते हैं, रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, ये भी सेम आपका कॉन्वेक्स लेंस की तरह है, इसलिए ये वाला पॉइंट भी आपका इंपॉर्टेंट है कॉन्केव लेंस में, कि अगर आपकी रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है तो विदाउट डेविएशन वो पास ऑन हो जाती है, वो विदाउट डेविएशन, उसमें कोई डेविएशन नहीं आती, मीन्स कि उसमें कोई चेंजेस नहीं आते। यहां से आपकी रे आई, ऑप्टिकल सेंटर ओ से पास किया और ये इसको क्रॉस करते हुए चली गई। तो ये 3 रूल्स है आपके पास कॉन्केव लेंस के। अब इन्हीं के बेसिस पे हम नीचे रे डायग्राम्स पढ़ेंगे कि कॉन्केव लेंस में अगर आपको रे डायग्राम बनाना हो तो किस तरीके से। इसमें आपके पास टोटल 2 डायग्राम्स हैं। फर्स्ट है, अगर आपका ऑब्जेक्ट होगा इन्फिनिटी पे, तो मीन्स ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। अब यहाँ पे देखिए, ये आपका 2F1, F2 और 2F2, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, यहां से आपकी रेज आ रही है, ये इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट,
ये डाइवर्जिंग मिरर है, तो ये जो रेस थी ये एक ऊपर की साइड और एक ये इधर की साइड चली गई, तो यहाँ पे ये कहीं पे मीट नहीं करेंगी क्योंकि इनका डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। फिर आप क्या करेंगे, जो हमारी रेस डाइवर्ज हुई है उसी को इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हुए आगे हमने मीट करवाया, तो हमने देखा एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ये मीट करी है जिसको जो F1 है। तो आप पोजिशन की बात करते हैं, देखिए इमेज की प्रॉपर्टीज, पोजीशन देखिए एट F1, यहाँ पे दोनों पॉइंट्स आके मीट करें तो आपकी इमेज F1 पर बनेगी। नेचर वर्चुअल और इरेक्ट है, और साइज की बात करें तो ये आपका पॉइंट साइज है। सेकेंड है ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा और ऑप्टिकल सेंटर पे के बीच में होगा, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है और ये आपका इन्फिनिटी, मीन्स कि आप इसके बीच में दोनों में से कहीं पे भी ले सकते हैं। यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, सेम डाइवर्जिंग मिरर है, इसने पाथ अपना डाइवर्ज कर लिया, इस साइड आपकी इमेज नहीं बनेगी क्योंकि इनका डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। सेम फर्स्ट वाले की तरह हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग हमने ये जो डाइवर्ज करा था इनको हमने इमेजिनरी लाइन से बढ़ा दिया। तो आप देखिए जो ऑप्टिकल सेंटर से लाइन जा रही थी आपकी रे, उसको छोड़ के आपने ये जो दूसरी डाइवर्ज हुई है इस रे को जब आपने पीछे की साइड बढ़ाया और इसको भी जब बढ़ाएंगे तो ये सेम पॉइंट पे मीट करेंगे जो आपकी इमेज बनेगी। अब देखिए पोजीशन की बात करते हैं, एट F1 एंड O या फिर बिटवीन F1 एंड O, F1 और O के बीच में आपकी इमेज बनेगी। नेचर वर्चुअल और इरेक्ट होगा, और साइज की बात करें तो वो डिमिनिश्ड होगा, मीन्स की छोटा साइज होगा। अब रे डायग्राम्स के बाद में हमारे पास साइन कन्वेंशन आता है, सेम मिरर्स वाला ही है, बट इसमें जो चेंज आएगा वो ये होगा कि इसमें हमें ऑप्टिकल सेंटर को भी लेना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला देखिए, 1/ F=1/V-V 1/U। अगर आपको मिरर फॉर्मूला याद हो तो बस इसमें माइनस की जगह पे प्लस था। अब देखिए यहाँ पे इनके सिंबल मीनिंग है, वी आपका इमेज डिस्टेंस है, यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, एफ आपका फोकल लेंथ है। नेक्स्ट है जब हम f मीन्स फोकल लेंथ इज इक्वल टू R/2, R आपका डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड O मीन्स आपका ऑप्टिकल सेंटर। इस फॉर्मूले पे बेस्ड और मिरर फॉर्मूले पे बेस्ड हम न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन की बात करते हैं तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये एक रेशियो होता है हाइट ऑफ द इमेज एंड द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो मैग्नीफिकेशन स्मॉल m से डिनोट किया, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर आप इसको h- अपॉन में h भी ले सकते हैं। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मार्क कर दीजिए। अगर आप h और h- की फॉर्म में ना लेके u एंड v की फॉर्म में लेते हैं तो हम इसे ऐसे लिखते हैं, स्मॉल m इज इक्वल टू v अपॉन में u। अब जो ये हमने दोनों रिलेशंस लिए इनके बेसिस पे मैग्नीफिकेशन के कुछ रूल्स हैं यहाँ पे। फर्स्ट कहता है m, अगर मैग्नीफिकेशन आपका ग्रेटर देन 1 है तो जो आपके इमेज है वो मैग्नीफाइड हो जाएगी। सेकेंड है m, अगर आपका इक्वल टू है 1 तो इमेज आपकी सेम साइज पर रहेगी, और अगर आपका m स्मॉलर देन 1 है मीन्स कि मैग्नीफिकेशन छोटा है और 1 से छोटा है तो आपकी जो इमेज है वो डिमिनिश्ड होगी, मीन्स की छोटी बनेगी। अब साइन कन्वेंशंस के कुछ टिप्स हैं, अगर आपको ये नोट कर लीजिएगा क्योंकि आपके न्यूमेरिकल्स में बहुत हेल्प करेंगे। अगर आपका कॉन्केव लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, इसके लिए आप F, U और V ये तीनों कैसे लेते हैं, ये आपके न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉन्केव लेंस की अगर हम बात करें तो आपका F, U और V तीनों आपके नेगेटिव होंगे और इमेज जो होती है वो वर्चुअल बनती है। कॉन्वेक्स की बात करते हैं तो आपका F और V पॉजिटिव होता है, अगर पॉजिटिव होगा तो रियल केस है एंड नेगेटिव है तो आपका वर्चुअल इमेज बनेगी। यू हमेशा आपका नेगेटिव होगा बोथ द केसेस। नाउ एच देखिए, एच हमेशा आपका पॉजिटिव रहेगा और एच इज नेगेटिव फॉर रियल एंड पॉजिटिव फॉर वर्चुअल। एच आपका हमेशा पॉजिटिव रहेगा बट एच डैश में चेंजेस आएंगे, एक बार नेगेटिव भी हो सकता है और वो पॉजिटिव भी। अगर आपकी इमेज रियल है तो नेगेटिव होगा और अगर वर्चुअल एंड इरेक्ट है तो आपका एच डैश पॉजिटिव होगा। तो ये आपका मैग्नीफिकेशन था। इसके बाद चैप्टर का लास्ट टॉपिक है पावर ऑफ लेंस, इस पे भी आपका न्यूमेरिकल पक्का आता है। पावर ऑफ लेंस है डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रे अचीव्ड बाय अ लेंस इज नोन एज अ पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है, इसे कैपिटल पी से डिनोट करते हैं, कैपिटल पी इज इक्वल टू 1/F। जब हम एफ की बात करते हैं तो फोकल लेंथ है और उसकी जो कन्वर्जन या फिर उसकी कैलकुलेशन यूनिट होती है वो मीटर होती है, और अगर इन केस आपको फोकल लेंथ सेंटीमीटर में गिवन हो तो आप 100/F लेते हैं। ऐसा यूनिट पावर की डायोप्टर होती है जिसको कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। इसके अलावा पावर है जो कॉन्केव लेंस की या फिर डाइवर्जिंग लेंस की वो हमेशा नेगेटिव होती है, F इज नेगेटिव।
ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है आपका, अगर आपको सपोज पावर आपको बहुत ज्यादा दे रखी हो, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में कई बार पावर हमारे पास ज्यादा होती है तो उसे हमें उसका नेट निकालना होता है, तो आप P इक्वल्स टू P1, P2 एंड P3 ऐसे सो ऑन करके आप इसको प्लस करके निकाल सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट लाइट चैप्टर। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप इसके वीडियो के कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, और इनके न्यूमेरिकल्स पे मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो लेकर आऊंगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, एंड स्टे ट्यून विद आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच।